आरबीआई द्वारा 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा किए जाने पर विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया आई है। मायावती ने रविवार की सुबह इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, करेंसी व उसकी विश्व बाजार में कीमत का संबंध देश का हित व प्रतिष्ठा से जुड़ा होने के कारण इसमें जल्दी जल्दी बदलाव करना जनहित को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, इसलिए ऐसा करने से पहले इसके प्रभाव व परिणाम पर समुचित अध्ययन जरूरी है, सरकार इस पर जरूर ध्यान दे। जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में कहा, कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ में आती है, 2000 रुपए के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसकी सजा इस देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। इसी ट्वीट में यादव ने कहा, शासन मनमानी से नहीं समझदारी और ईमानदारी से चलता है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।